देश में गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। सुबह को छोड़ दे तो दोपहर के वक्त बढ़ते तापमान और लू के थपेड़ों से दम घुटने लगता है। हालात ऐसे कि घर से बाहर निकलना भी दुश्वार है। पारा हर दिन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अब इसी बीच IMD ने एक खुशखबरी दी। मौसम विभाग की तरफ से मॉनसून को लेकर भी अपडेट जारी किया गया है। IMD के अनुसार मॉनसून अंडमान निकोबार पहुंच चुका है। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में मॉनसून के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मॉनसून 2 जुलाई तक पहुंचेगा, वहीं बिहार में मॉनसून 16 जून, पश्चिम बंगाल में 13 जून और यूपी में 29 जून तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। IMD के माने तो मॉनसून में इस साल ज्यादा बारिश होने का अनुमान है। आमतौर पर केरल में मॉनसून 1 जून तक आ जाता है। पिछले साल मॉनसून 19 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा था। वहीं केरल में 8 जून को 9 दिन की देरी के बाद मॉनसून पहुंचा था। अभी मानसून अंडमान में दाखिल हो चुका है और IMD का अनुमान है कि 31 तारीख तक मानसून केरला में पहुंच जाएगा। उसके बाद मानसून का जो नॉर्दर्न लिमिट होती है वो महाराष्ट्र में 8-9 तारीख तक आएगा और मुंबई में 10-11 तारीख तक मानसून दस्तक दे सकता है। गर्मी की बात करें तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी तेवर दिखा रही है। गुजरात में 23 से 27, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 23 से 25 मई, पंजाब में 23 मई तक लू चलने का पूर्वानुमान है। पूर्वी यूपी में 25 मई से 27 मई तक लू चलने की भविष्यवाणी की गई है। राजस्थान के कई इलाकों, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में 23 से 27 मई तक गंभीर हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। 26 और 27 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 24 से 27 तक दिल्ली के आइसोलेटेड पॉकेट में हल्की से गंभीर लू चलने का पूर्वानुमान है। वहीं राजस्थान, दिल्ली, पंजाब में भी हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी।